इसको। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ग्राम इक्विवेलेंट को लिखते कैसे? मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। देखते हैं मोल्स दे रखा है नहीं दे रखा, मोल्स नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? मोलारिटी। तो मोल्स को चेंज करेंगे मोलारिटी वाले फॉर्मूला में, तो वॉल्यूम इनटू, सॉरी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर। और दूसरे का क्या पूछा है? वॉल्यूम भी पूछा है, तो इसमें भी वही होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम एन फैक्टर ऑफ बेस। ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। फॉस्फोरस, अच्छा फॉस्फोरस एसिड विच मीन्स H3PO3। H3PO3 का डायग्राम कैसे बनाया था याद है? याद है ये डायग्राम H3PO3 का? तो H3PO3 का एन फैक्टर क्या आएगा? टू। याद भी किया था हमने, H3PO4 का 3 आता है, H3PO3 का एन फैक्टर क्या आता है? 2। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आया, एन फैक्टर मिल जाएगा। एसिड वॉल्यूम कितना दे रखा है? 20 ml, लीटर में चेंज करना होगा। और मोलारिटी कितना दे रखा है? 0.1। इसका मोलारिटी कितना दे रखा है बेस का? 0.1। वॉल्यूम ये तो निकालना ही है, और एन फैक्टर के ओ एच का एन फैक्टर क्या होगा? के प्लस और ओ एच माइनस, एन फैक्टर विल बी 1।
0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दिस विल गिव यू 40/1000 लीटर। और अगर ml में लिखें तो है ना, 1000 से डिवाइडेड है तो 40 ml, नेक्स्ट। लास्ट क्लास में वी एंडेड हियर है ना, सम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल एसिड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द बेसिस, ठीक है, इसको ना एक बार समझते भी हैं, ठीक है, कैसे समझेंगे देखो ध्यान से। मान लो एक कंटेनर है अपने पास, जिसमें पहला बेस है बेस वन, और बेस वन जो है दैट इज 10 ग्राम इक्विवेलेंट। बेस बेस वन हमने कितना लिया है, 10 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब गलती से मैं मान लो इसमें एक एसिड डाला और एसिड हमने ले लिया 15 ग्राम इक्विवेलेंट, तो बताओ व्हाट विल हैपन आफ्टर फर्स्ट टाइट्रेशन, क्या होगा। 15 ग्राम इक्विवेलेंट और यहां पर कितना है, 10 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब आप एसिड को इसमें डालोगे, बेस जितना था उतना एसिड कंज्यूम हो जाएगा, यही लिखा था हमने, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो जब आप इसमें एसिड डालोगे 15 ग्राम इक्विवेलेंट, तो सारा बेस जो है बेस वन विल बी न्यूट्रलाइज कंप्लीटली, और आपके सॉल्यूशन में फिर क्या बच जाएगा बोलो, 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड। ये समझ में आता है आपको, 15 टोटल था, 10 चला गया न्यूट्रलाइजेशन में, तो बच कितना गया, 5। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, कोई दूसरा बेस डालोगे, तो बोलो बेटा कितना बेस डालेंगे दूसरा वाला, 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है तो कितना डालेंगे, 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब जरा बोलना व्हाट वाज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, क्या था, 15। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस वन, हाउ मच, 10। एंड व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस टू, 5। वही फॉर्मूला आया क्या जो हमने लिखा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द एसिड्स इज इक्वल टू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस वन एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इस पर अब हमें क्वेश्चन करना है, ये दिमाग में गया आपके, सबका ग्राम इक्विवेलेंट लिख देंगे आंसर आ जाएगा। ओके लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मोल्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड, वही टाइट्रेटेड का मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इज टाइट्रेटेड विथ 2 मोल्स ऑफ एक्वस H2SO4। एक्सेस एसिड रिक्वायर्स 20 ml ऑफ MgOH होल टू सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ MgOH होल टू।
घबराइए मत, फॉर्मूला लिखिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द बेसेस। कितने बेस है यहाँ पर बोलो, दो दिख रहा है, एक NaOH और एक MgOH2। फॉर्मूला लिखो, आंसर आएगा। ध्यान से करना, धीरे धीरे करना। N55 डन, पहला वाला हो गया। फॉर्मूला लिखेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस वन, कितने बेसेस है, दो, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। लास्ट क्लास में सिखाता और अभी भी बताया मैंने आपको, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड
मोल्स H2SO4, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाएगा? N इंटू N फैक्टर, 2 मोल्स इंटू N फैक्टर क्या होगा? 2। खत्म, एसिड का काम खत्म। ग्राफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1, तो बेस 1 का कैसे लिखोगे? N इंटू N फैक्टर, इसका भी काम खत्म। 2 मोल्स दे रखा है, N फैक्टर 1 है। बच गया इक्विवेलेंट ऑफ बेस 2। अब बेस 2 के लिए N इंटू N फैक्टर से तो काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा N इंटू N फैक्टर से काम? क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम के लिए मोल्स को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मोल्स को कन्वर्ट करना होगा किसमें? मोलारिटी में। ठीक है, तो मोलारिटी m मान लेंगे, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन इनटू n फैक्टर ऐसे लिख देंगे। मोलारिटी हमें नहीं पता, वॉल्यूम पता है कितना है, 20/1000, और n फैक्टर हमें पता है, n फैक्टर क्या है बेटा? 2। बोलो ये आया इक्वेशन सभी का, आया ये इक्वेशन? गड़बड़ नहीं होना चाहिए यार। अब देखो ना, एकदम बेसिक से बना रहे हैं, जो फॉर्मूला चाहिए उस फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। वी स्टार्टेड विद बेसिक्स, यही है बेसिक्स, और जो फॉर्मूला चाहिए उसमें कन्वर्जन होता चला जा रहा है। वैसे मैं ऐसे इसलिए करता हूं, मतलब ठीक है बाकी जगह पर नहीं होता है, डायरेक्ट कर देते हैं, मैं इसे इसलिए करता हूं ताकि मैं आप चाहता हूं कि आप भी इसी तरीके से करें। इस तरीके से करेंगे तो चीजें लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको याद रहेंगी, और आपसे बेसिक का कभी कोई सवाल आएगा तो कभी गलत नहीं हो। क्या होता है, इतना पढ़ लेते हैं कि लास्ट में बस खाली फॉर्मूला याद रह जाता है, बाकी बेसिक क्या था सब गायब। ठीक है, तो 4 = 2 + m × 40/1000, 2 से 2 चला जाएगा, 4 - 2 will be 2, m × 40/1000। ठीक है, उसके बाद 1000 उधर, 40 नीचे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m? 2 × 1000 / 40, थोड़ा ज्यादा आ गया यार। यह है आपका आंसर, 50 आ गया, कोई बात नहीं, होगा, क्या कर सकते, गड़बड़ तो नहीं कर दिया। दो बचेगा, हाँ ठीक है, दो बचेगा ना, दो। देखो अगर बेसिक से भी करें, 2 मोल इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? 4। 4 में से 2 तो NaOH खा जाएगा, कितना बचेगा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो MgOH OH होल 2 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? 2। सही है। अगला, 2 बेस की जगह 3 बेस लिखा हुआ है।
डब्बे वाला कहानी देखो कैसे लिखता है, ऐसे लिखा जाता है जो डब्बे में, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन ये वाला, वैसे ही पूरा कहानी ऐसे लिखता है। तो डरना नहीं है उस कहानी से, ग्राम इक्विवेलेंट देखते जाओ, कंज्यूम करते जाओ, उसको हटाते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। डन, पहला वाला तो ही गया होगा, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस वन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस टू, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कितने बेसेस है, तीन, और बेस थ्री। तो व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड? नहीं पता। एन इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर पता है HCl का? वन होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस वन, 5 इंटू NaOH का बेस फैक्टर क्या होगा, मतलब एन फैक्टर क्या होगा, वन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस टू क्या होगा, इसका एन फैक्टर टू। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस थ्री क्या होगा, इसका एन फैक्टर, तो पांच, 6 5 11, 1 12, 12 आया। देखो इसका ना बेसिक से करेंगे थोड़ा सा, देखते हैं व्हाट इज। हो गया, करो जल्दी करो। नॉर्मैलिटी के टर्म्स में, सॉरी, नॉर्मैलिटी के टर्म्स में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, 1/100। नाउ फर्स्ट ट्राइट्रेशन है ना, फर्स्ट ट्राइट्रेशन बेसिक से कर रहे हैं, आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। पहले ट्राइट्रेशन में हम कौन सा बेस यूज कर रहे हैं, NaOH, कितना मोलर का, 0.2 मोलर, और क्या बोला, कितना है NaOH यूज करना पड़ा, 30 ml। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यूज्ड क्या आएगा, 0.2 मोलर इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू हाउ मच, एन फैक्टर विल बी वन। दिस विल बी हाउ मच, 6/1000। ये आया, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.006। थ्री प्लेसेस तक लिख लो, है ना, थ्री प्लेसेस तक लिख लेंगे ताकि घटाने में आसान हो ना। NaOH अगर इतना यूज कर गए तो कितना बचा होगा, ये बेसिक से कर रहा हूं, रिमेनिंग
सॉरी, एनएवएच इतना खत्म हो गया, एसिड बचा होगा ना, एसिड का ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिमेनिंग 0.010 से 0.006 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0.004। नाउ अब ये जो एसिड बचा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इसी को कौन करेगा न्यूट्रलाइज, KOH, अमाउंट ऑफ KOH यूज्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH कैसे निकालेंगे, 0.5 मोलर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर, KOH का एन फैक्टर क्या है 1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इतना ही यूज होगा ना बेटा, जितना एसिड बचा उतना KOH यूज होगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यह है आपका आंसर 4/500 लीटर, एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 ml। ठीक है, अगर एमएल में चाहिए दिस विल गिव यू व्हाट, 8/1000 विच इज इक्वल टू 8 ml, छोटा एम बड़ा एल, यह है आपका वॉल्यूम इन एमएल। और इसी को फॉर्मूले से करते तो डायरेक्ट एक लाइन में लिख देते, ठीक है, तो एक लाइन में लिखना है बट ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट एक लाइन में क्या लिखते, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस 2, एक लाइन में लिखना होता तो क्या लिखते, 0.1, कितना दे रखा है इसका, 100 ml, 100/1000 इंटू 1 n फैक्टर इज इक्वल टू बेस, बेस का कितना दे रखा है 0.2 इंटू 30/1000 इंटू एन फैक्टर प्लस इसका कितना मोलारिटी था 0.5 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 1, ये आया होगा इक्वेशन एक लाइन वाला, मैच कर लीजिए। इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला प्रोसेस लॉन्ग वाला मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता भी होना चाहिए ना कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी बस खाली फॉर्मूला लिखते जाएं, कहीं इधर उधर ट्विस्ट कर दिया तो खत्म हो जाएंगे, आप बोल देगा कि बीच में हमने क्या किया, ये यहां पर एक लाइन लिख देगा, ठीक है, द टाइट्रेशन वॉज डिसकंस्टिट्यूट आफ्टर 30 ml ऑफ एनएच सोल्यूशन वॉज यूज और द रिमेनिंग टाइट्रेशन वॉज कंप्लीटेड की जगह एक लाइन पहले लिख देगा कि इसके बाद हम क्या किए कि ना 0.002 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बाहर निकाल लिए, और उसके बाद लिखेगा द रिमेनिंग टाइट्रेशन वाज कंप्लीटेड बाय एडिंग दिस, तो फिर क्या करना होगा, 0.004 में से 0.002 हटाना होगा और 0.002 फिर न्यूट्रलाइज होगा KOH के साथ, समझ में आया, इसीलिए ये भी जरूरी है पता होना, ठीक है, क्या कर रहे हैं खाली फॉर, यही दिक्कत होता है एट द एंड ऑफ द डे, बस फॉर्मूला याद रह जाता है, वो तरीका भूल जाते हैं, तरीका क्या जो मैंने आपको शुरू में सिखाया, पहला ये वाला कि आखिर हो क्या रहा था, दिस वन, दिस इज बेसिक, ये पता होगा, कोई भी सवाल आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन का हम कर लेंगे, ठीक है, फिर मान लो इसके बाद फिर और 75 एसिड डाल दिए, फिर 200 एसिड ऐसे मिला दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट है अगेन फिर रटने वाला पार्ट, क्योंकि जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ऐसे करेंगे अभी फॉर्मूला रटेंगे और कुछ रहेंगे, ठीक है, तो जो भी चीजें अभी लिखेंगे ना वो आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखना है हमें, तो अब वो पूरा पढ़ाएं इससे बन रही कि जब पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा फॉर्मूला रटेंगे 6, ठीक है, कुछ नहीं है आसान है, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में ही है फॉर्मूला, तो लिखो दिस बिलोंग्स टू
दिस सेक्शंस बिलोंग्स टू इंडिकेटर थ्योरी, और इंडिकेटर थ्योरी हम पढ़ेंगे आईने के इक्विलिब्रियम। जब आईने के इक्विलिब्रियम आएगा तब देखा जाएगा। व्हाट आर इंडिकेटर्स? लिखिए डेफिनेशन, लिखिए इंडिकेटर्स का। दीज आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस विच हैव डिफरेंट कलर्स इन आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म। रंग अलग अलग होगा, जब ये आयनाइज्ड होगा तो अलग रंग होगा, और जब अनआयनाइज्ड होगा तो अलग फॉर्म होगा। दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो फिलहाल तो अभी के लिए दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, एक तो ये फेनोप्थिलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। डन। नोट वन, यही फॉर्मूला रटना है। अब 6-7 है। इफ फेनोप्थिलीन इज गिवेन, क्वेश्चन में फेनोप्थिलीन लिखा हुआ हो, देन ठीक है, इसके पहले बगल में एक बार एक चीज और लिख लो, साथ में बेस क्या लिखा रहेगा, NaOH, Na2CO3 और NaHCO3। दीज आर बेसिस, दीज आर सॉल्ट, है ना, बेसिक सॉल्ट है ना, पढ़ा था ना 10th में। NaOH तो न्यूट्रल न्यूट्रल बेस, सॉरी न्यूट्रल बेस बोलता हूँ, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सब क्या है, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो चूंकि ये बेसिक सॉल्ट है, इसको हम बेस की तरह यूज कर रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो अभी हमने सीखा, ये सब का पूरा ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो पहले तो ये लिख लो, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट, ये क्या है, बेस। तो हमने जो आपको अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिखाया है वो किसके लिए है, एसिड बेस के लिए है, ठीक है। अब बेसिक सॉल्ट भी कभी कभी सवाल में पूछता है, तो उसको कैसे डील करना है वो अभी हम फिलहाल तो अभी क्या बोलूं, रटने ही वाले हैं, ठीक है, बाकी सीखेंगे बाद में। केस वन लिखो, व्हेन ऑल दीज थ्री आर गिवन, मतलब क्वेश्चन में NaOH भी न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, Na2CO3 भी न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, और ये भी न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, तब क्या फॉर्मूला होगा, लिखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ टाइम्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये लगेगा फॉर्मूला, बस NaHCO3 का कोई काम नहीं, दिख रहा है आपको, NaHCO3 नहीं लिखा ना, भले वो वीक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो जब तीनों गिवन होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इंटू प्लस हाफ इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, याद रखना है। केस टू,
चार केस इसमें, चार केस मिथाइल ऑरेंज में, बस आठ है। हाँ NaOH और Na2CO3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, पहले तीनों दे सकता है, या तो हो सकता है तीनों दे दे, या तो दो के पेयर्स में दे सकता है, NaOH Na2CO3, NaOH NaHCO3, Na2CO3 और NaHCO3। सिंगल दे दिया था तो कोई बात ही नहीं है। लिखो इसका फॉर्मूला क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ टाइम्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। सेम फॉर्मूला, और ये किस इंडिकेटर पर हम लिख रहे हैं? फेनोप्थलिन इंडिकेटर पर। ये फॉर्मूला किस कौन से इंडिकेटर पर है? फेनोप्थलिन इंडिकेटर पर, केस थ्री। NaOH प्लस NaHCO3। कहने का मतलब है, मिला जुला के अगर आप फॉर्मूला देखें तो NaHCO3 का कोई काम नहीं है, दिख रहा है? कोई काम नहीं है। अब रटेंगे कैसे? अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ NaOH, NaOH और NaHCO3 है, देखो ध्यान से लिख लो, पहले लिख लो, रटने का भी तरीका बता देते। लिखा गया, मान लो आपके पास NaOH और NaHCO3 क्या है, NaHCO3 दे रखा है, तो हमने क्या सीखा, जब फेनोप्थलीन होगा तो इसका कोई काम नहीं है, तो बस क्या बच जाएगा, NaOH। और NaOH जब भी यूज करेंगे तो वो पूरा न्यूट्रलाइज होगा, है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। उसके बाद मान लो आपके क्वेश्चन में ये दोनों है, तो NaOH पूरा और आधा Na2CO3। मान लो तीनों है, तो तीनों है तो हमने अभी क्या सीखा, NaHCO3 का कोई काम नहीं है, तो NaOH पूरा और आधा ये। मान लो ये दोनों दे रखा है क्वेश्चन में, तो आधा ये और इसका तो कोई काम है, को होगा ही नहीं, तो इस तरीके से याद रखेंगे इसको। पढ़ना है Na2CO3 का क्या लेना है, आधा, NaOH का क्या लेना है, पूरा, ठीक है, बाकी इसको यूज नहीं करना, ठीक है। नोट टू, इफ मिथाइल ऑरेंज इज यूज एज अ इंडिकेटर, क्वेश्चन में बस खाली अंडरलाइन करके पढ़ना है कि कौन कौन सा इंडिकेटर दे रखा है, कभी दोनों दे देता है। तो पहला, जब तीनों दे रखा हो,
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनएएच, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। गेस कर सकते हैं क्या आना चाहिए ऊपर वाला लाइन अगर लिखा हुआ है तो? गेस करना क्या है, एनएओएच क्या है, Na2CO3। Na2CO3 के लिए हमने पूरा यूज किया, एनएओएच के लिए हमने क्या किया, पूरा यूज किया, बस पूरा यूज किया। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो पहला वाला लाइन में है उसको उठा के छाप देना है। चलो लिखो इसको, गेस करके फॉर्मूला, फॉर्मूला गेस करने भी तो आना चाहिए। मिला जुला के अगर आपने देखा होगा मिथाइल ऑरेंज अगर इंडिकेटर आ गया तो उसमें कोई अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करना है, एज इट इज जैसे हमने सीखा है उसको उठाकर लिख देना है। दिख रहा है ये सभी को? तो मिथाइल ऑरेंज के लिए हम क्या दिमाग में इधर लिख लेंगे, जो भी सीखा है, नथिंग न्यू, बस लिख इसलिए दिया ताकि गलत ना करें लोग। फेनोप्थलीन इतना पढ़ लेते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जब आता है तो लगता है कि वो भी हाफ होगा हमेशा, Na2CO3, NaHCO3 का कोई यूज नहीं होगा। तो बगल में लिख लो मिथाइल ऑरेंज में, देयर इज नथिंग न्यू, नहीं भी दे रखा होता तो आप यही करते हैं कि नहीं? अब ऐसा क्यों होता है, वहां पर हाफ ले रहे हैं यहां पर क्यों ले रहे हैं, तो ये सब जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है? नॉट नाउ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए।
ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसमें NaOH और Na2CO3 है, और 25 ml इस सॉल्यूशन का लिया गया, तो हमने क्या देखा कि जब हम फेनोप्थलिन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो HCl कितना रिक्वायर हुआ, 25 ml, और जब हम उसी 25 ml को मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो हमें कितना लगेगा, 35 ml। आपको बताना है कि NaOH और Na2CO3 का स्ट्रेंथ क्या है। देखिए मोस निकाली ना पहले, उसके बाद स्ट्रेंथ देखा जाएगा। व्हाट इज स्ट्रेंथ, क्या था स्ट्रेंथ? भूल गए, कोई बात नहीं, आप मोल्स निकालिए पहले, स्ट्रेंथ देखा जाएगा। आप दो केसेस बनाइए, फेनोप्थलीन जब यूज हुआ होगा तब क्या हुआ, तब फॉर्मूला क्या लगेगा, और मिथाइल ऑरेंज जब यूज हुआ होगा तब फॉर्मूला क्या लगेगा, पीछे दे रखा है। और केस पढ़ लीजिए किसका है, क्या क्या है अपने पास, NaOH और Na2CO3, दिस इज आवर केस। केस पढ़िए, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला में जो वैल्यू दे रखा है वो पुट करिए, आंसर बिल्कुल आएगा। मेरे लिए वेट मत कीजिए, पेन चलाइए, पढ़िए, कम से कम फॉर्मूला लिखिए, नहीं पास कर पाएंगे एग्जाम। आप मोल्स निकालिए, स्ट्रेंथ छोड़ दीजिए।
HCl का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखाएगा? नॉर्मैलिटी वाले फॉर्मूला से। नॉर्मैलिटी वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 0.1 इंटू 25/1000, ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट HCl का। ऐसे लिखिए, NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? नहीं पता, वॉल्यूम भी नहीं पता, तो N फैक्टर पता है कितना होता है? 1, तो 1 मोल्स नहीं पता, जो नहीं पता होता है वो क्या होता है? एक्स होता है, और क्या होता है? लेट द मोल्स ऑफ NaOH बी एक्स प्लस हाफ इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ग्राम इक्विवेलेंट Na2CO3, इसका वॉल्यूम पता है? नहीं पता है। मोलारिटी पता है? नहीं पता है। क्या पता है? एन फैक्टर पता है। एन फैक्टर कितना होगा Na2CO3 का? 2। मोल्स नहीं पता है तो वो क्या होगा? वाई। ये रहा, तो व्हाट इज माय फर्स्ट इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0.1 इंटू 25/1000। 0.1 हटाकर इसको 10,000 कर लो, और फिर उसको डेसिमल में लिख लो। डेसिमल में लिखोगे तो क्या आएगा बोलो? 0.0025 आया। ये करो दूसरा वाला, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH? एक्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखाएगा? एक्स इंटू 1। Na2CO3 का कैसे लिखाएगा? मोल्स कितना माना है? Y। N फैक्टर कितना है? 2। और मिथाइल ऑरेंज के साथ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या आएगा? नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.1 इंटू 35/1000। व्हाट इज दिस? X। व्हाट इज दिस? 2Y इज इक्वल टू व्हाट? 35/10,000। और 35/10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.0035। दो इक्वेशन है, दोनों ने सॉल्व हो जाएगा। करिए करिए करिए, एक्स प्लस 2 वाई, यू नो एक्स प्लस वाई, यू नो यू नो नीड टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो दूसरे में से पहला वाला इक्वेशन घटा देंगे, क्या देगा? y, और इधर क्या आएगा? 0.0010। और फिर y को पुट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में, दिस वन में, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0.0015। ठीक है, y क्या था? व्हाट वॉज वाई? Na2CO3। व्हाट वॉज एक्स? NaOH। मोल्स मिल गया, मास मिल जाएगा, बताओ मास कितना आएगा?
मास बताओ कितना है, स्ट्रेंथ निकालना था ना, मोल थोड़ी निकालना था। एनएमएच का बताओ, दूसरा घर पर कर लेना। ये आया मास, और उसके बाद व्हाट इज स्ट्रेंथ, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास इन ग्राम कितना आया आपका, 0.0015 × 40, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना कितना का था, NaOH और Na2CO3 25 ml का था, तो 25 डिवाइडेड बाय 1000। ये 25 कौन सा 25 है, ये वाला 25 है, ये वाला, ये 25 ml, ये वाला 25। ओके दूसरे वाले का स्ट्रेंथ निकल जाएगा आपका, निकाल लेना इसका भी स्ट्रेंथ निकल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए एक होमवर्क के लिए, ये है लेवल क्वेश्चन का। फिफ्टी एम एल ऑफ अ सोल्यूशन आप यहां पर बस एक ही चीज नहीं कर रहे हैं, मतलब जो मैं नहीं करवा पाऊंगा वो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, बस नोट्स में कोई अंतर नहीं होगा, सब वही। 50 ml ऑफ मतलब क्लास नोट्स, क्लास क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज कोई भी चीज ऑलमोस्ट नहीं छूटेगी, ठीक है, ठीक है देख लेते हैं जितना हो। 50 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग K2CO3 एंड KHCO3 इज टाइट्रेटेड विथ 1/10 molar H2SO4। इसका तो ऑब्जर्वेशन दे रखा है, 15 ml ऑफ H2SO4 वॉज कंज्यूम्ड एट फेनोल्फथालीन एंड पॉइंट। बी few drops of methyl orange is added to above solution, above मतलब part A, ये and टाइट्रेशन वॉज कंटिन्यूड फुल स्टॉप। 40 ml ऑफ H2SO4 वॉज कंज्यूम्ड फर्दर टिल मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट
ऐसे ही होता है एक पेज का सवाल। कैलकुलेट द मोल रेशियो ऑफ K2CO3, क्या पूछे? K2CO3 एंड KHCO3, मोल रेशियो ऑफ K2CO3 KHCO3। ठीक है, नाउ एक हिंट दे दे रहे, K2CO3 विल बिहेव एज Na2CO3 एंड KHCO3 विल बिहेव एज NaHCO3। तो हिंट में लिख लो बिहेवियर, दोनों अलग अलग केमिकल हैं बट बिहेवियर और फॉर्मूला वैसा ही लगेगा। ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए और इसको बना के लाइएगा कल। ठीक है, आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, ये है, ये अलग है, ये पढ़ना होगा, है ना? यही बच गया है। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, एक फॉर्मेलिटी बचा हुआ है, इसके बाद परसेंटेज प्योरिटी और फॉर्मेलिटी अगले क्लास में करेंगे खत्म, स्टोइकोमेट्री। बाकी पलट के देख लीजिएगा, कुछ छूट गया हो तो बता दीजिएगा, वो भी पढ़ा देंगे। ठीक, चलिए डन, पढ़िए जो भी टॉपिक आपको लग